नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के बारे में। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट एक प्रीनेटल टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किया जाता है। ये टेस्ट महिला के शरीर में जेस्टेशनल डायबिटीज की जांच के लिए किया जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज डायबिटीज का एक अल्पकालिक रूप है और ये प्रेग्नेंट महिलाओं में हो सकती है। ये लगभग 7% प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रभावित करता है, जो कि एक छोटी संख्या है। हालांकि इस पर अंकुश लगाने और आवश्यक उपाय करने के लिए इसे जांचना जरूरी होता है। जब एक प्रेग्नेंट महिला का शरीर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले इंसुलिन प्रतिरोध से निपटने के लिए इंसुलिन के उन्नत स्तर को हासिल करने में असमर्थ होता है, तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है। अब आपको बताते हैं ये टेस्ट कब किया जाता है। सामान्य डिकमेंटेशन के अनुसार ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते में या लगभग 28वें हफ्ते में या फिर तीसरे ट्राइमेस्टर की शुरुआत में किया जाता है। हालांकि अब प्रेग्नेंट महिलाओं को यही सलाह दी जाती है कि वे पहले ट्राइमेस्टर में ही ये टेस्ट करवा लें। हाल ही में हुए इस डेवलपमेंट को करने के पीछे उद्देश्य है कि प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते में मैटरनल ग्लाइसेमिक लेवल को प्रभावी ढंग से मापा जा सकता है। हालांकि यदि इस टेस्ट को नेगेटिव देखा जाता है तो इस टेस्ट को प्रेगनेंसी के 24वें 28वें हफ्ते में दोबारा किया जाता है और अंतिम बार ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 32वें और 34वें हफ्ते में किया जाता है। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक अनिवार्य और सार्वभौमिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। प्रेग्नेंट महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क सबसे ज्यादा कब होता है उसके बारे में बताते हैं। यह सुनिश्चित करना कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट हर प्रेग्नेंट महिला करवाती है अभी भी मुश्किल है। ऐसे में कुछ स्थितियां होती हैं जब प्रेग्नेंट महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा हो सकता है, जैसे यदि महिला की उम्र 26 वर्ष से अधिक है, यदि परिवार में डायबिटीज की कोई हिस्ट्री है तब कराया जाता है, अगर महिला का वजन अधिक है तब भी ये टेस्ट किया जाता है, यदि महिला को पहले 4 किलोग्राम से अधिक का बच्चा हो चुका होता है तब भी ये टेस्ट होता है, और अगर महिला को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है तो भी ये टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट न केवल होने वाली माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी आवश्यक है। यदि सही तरीके से या समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो नवजात शिशु को इससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना हो जाती है। नवजात शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और माँ की सुरक्षा के लिए सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, उसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।